हाई कोर्ट ने अपना फैसला जारी कर दिया है कि आप अपने स्तर से जो है जाति जनगणना करा सकते हैं। आपको क्या लगता है, समर्थन आप करते हैं इस फैसले को? नहीं होना चाहिए ऐसा, विकास पे ध्यान देना चाहिए। ये जनगणना मतगणना होना ही नहीं चाहिए किसी का, ये जनगणना नहीं होना चाहिए। नहीं होना ही नहीं चाहिए, ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं होना चाहिए। कोर्ट भी अब बोल दिया कि जातीय गणना अपने स्तर से करा सकते हैं, समर्थन करते हैं इसका? ना, ये सब तो गलत चीज़ है, जातीय जनगणना होना, इसमें भेदभाव का पता चलता है, ऊंच नीच का पता चलता है। तो फिर स्वतंत्र देश हुआ क्या जब जातीय जनगणना किया जा रहा है? तो क्या अच्छा क्या है इसमें, अच्छा क्या है? आप बात करते हैं कि डेवलपमेंट का, विकास का, और फिर आप आ जाते हैं जाति पे, इसमें बढ़िया क्या है बताइए? सरकार तो बोले कि जातीय गणना होने के बाद जो है जो भी वोट बैंक बना रहा, ये ग्वाला है, ये मातो है, ये यादव है, ये राजपूत है, ये सब काली कहानी है। अरे विकास करो, डेवलपमेंट करो, यहाँ का आदमी को रोजगार दो, बाहर क्यों जा रहा खटने के लिए? विकास का एक तरफ बात करता है और फिर वोट के चलते आ जाता है जाति पे। बिहार में जाति जनगणना को लेकर जो बड़ा विवाद चल रहा था, बड़ा बवाल चल रहा था, उसको लेकर के जो है हाईकोर्ट की तरफ से राहत भरे फैसले आए हैं। पटना हाईकोर्ट ने जो है हरी झंडी दिखा दी है और कहा गया है कि राज्य सरकार जो है अपने स्तर से, यानी बिहार राज्य सरकार जो है अपने स्तर से जो है जाति जनगणना करा सकती है। ऐसे में हम पब्लिक के बीच में हैं, अभी हम बुद्धा पार्क पटना में मौजूद हैं और यहाँ पे हम लोगों से बातचीत करेंगे कि लोगों का क्या फैसला है। ऐसे में भैया हैं, क्या नाम हुआ भैया आपका? प्रेम। अच्छा, सरकार जो है हाईकोर्ट ने अपना फैसला जारी कर दिया है कि आप अपने स्तर से जो है जाति जनगणना करा सकते हैं। आपको क्या लगता है, समर्थन आप करते हैं इस फैसले को? नहीं होना चाहिए ऐसा, विकास पे ध्यान देना चाहिए। ये जनगणना मतगणना होना ही नहीं चाहिए किसी का, ये जनगणना नहीं होना चाहिए। नहीं होना ही नहीं चाहिए, ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। सरकार तो बोले कि जातीय गणना होने के बाद जो है जो भी वोट बैंक बना रहा, ये ग्वाला है, ये मातो है, ये यादव है, ये राजपूत है, ये सब काली कहानी है। अरे विकास करो, डेवलपमेंट करो, यहाँ का आदमी को रोजगार दो, बाहर क्यों जा रहा खटने के लिए? ट्रेन में इतना भीड़ बढ़ा के रखा है, सब सारा रोको तुम बिहार में ही, सारा रोजगार दो, ये जाति जनगणना करके टाइम पास क्यों कर रहे हो अपना? सरकार ऐसा करे कि जाति के आधार पे जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनके जिनके पास तो जो है मदद नहीं पहुंच पाती है, उनको जो है मदद पहुंचाने में हम काम करेंगे। ऐसा जातीय गणना पे जो डाटा आएगा उसके अनुसार हम काम करेंगे। नहीं नहीं, वो वोट बैंक है ओनली फॉर, कोई फैसिलिटी नहीं पहुंचाने वाला है। आप लिख के ले लो मेरे से, गारंटेड बॉन्ड पेपर पर लिख के दे दो, कोई फैसिलिटी नहीं पहुंचने वाला है, ये ओनली फॉर वोट बैंकिंग का काम चलेगा बस। लेकिन हाईकोर्ट कह रही है कि यह अच्छा कदम है नीतीश कुमार का। ना, अब हाईकोर्ट की बात अलग बात है, लेकिन मेरे मत से अगर बोला जाए तो जाति जनगणना होना ही नहीं चाहिए। नहीं, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। और कुछ भी लोग हैं, हम उन लोगों से भी बातचीत कर लेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? क्या नाम? मेरा क्या नाम हुआ? अमित। अच्छा, जातीय गणना के बारे में जानते हैं आप? जातीय गणना नहीं, कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं आप? तो इधर बेगूसराय से। बिहार से ही ना, तो जातीय गणना के बारे में नहीं जान रहे हैं? सरकार का फैसला है कि जातीय गणना होना चाहिए, इसका आप समर्थन करते हैं? नहीं, मैं प्लाटर काम करते हैं ना, अभी तो प्लाटर के काम कर रहे थे, हमारे पास टाइम नहीं है, सब जानते नहीं है। नहीं जानते हैं जातीय गणना के बारे में? नहीं अंकल जो है जातीय गणना के बारे में नहीं जानते हैं। चलिए और लोग भी बात। क्या नाम हुआ आपका? सूरज कुमार। अच्छा, जातीय गणना के बारे में जानते हैं? जो सरकार फैसला लिया है कि जातीय गणना अब जो है कोर्ट भी सुन लीजिए, पहले कोर्ट भी अब बोल दिया कि जातीय गणना अपने स्तर से करा सकते हैं, एक अच्छा कदम है, समर्थन करते हैं इसका? ना, ये सब तो गलत चीज़ है, जातीय जनगणना होना, इसमें भेदभाव का पता चलता है, ऊंच नीच का पता चलता है। तो फिर स्वतंत्र देश हुआ क्या जब जातीय जनगणना किया जा रहा है? तो इसमें तो साफा साफी सरकार भेदभाव कर रहा है, कोई उच्च कोटि का है, कोई नीच कोटि का है, तो उसमें संख्या का पता चल रहा है, तो इससे क्या बेनिफिट क्या होता है? इससे बेनिफिट सरकार यह बोल रही है कि जो भी, जैसे कि अगर मान ली कोई यादव समाज में है, कोई भूमिहार समाज में है, तो भूमिहार समाज के लोग ही, अगर मान ली कोई पिछड़े स्तर पे, मतलब जो एकदम गरीब तबके के लोग हैं, उनका जो है गणना किया जाएगा कि हाँ इस जाति में जो है इतने लोग जो है गरीब हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको आरक्षण दिया जाएगा या फिर उनके अकॉर्डिंग उनको जो है आर्थिक मदद दी जाएगी। वो तो बिना क्या बोलता है, वो तो बिना जातीय जनगणना के सिर्फ जनगणना से भी तो पता चल सकता है कि कौन क्या है, कौन क्या है। वो तो जगह के हिसाब से भी तो पता चल सकता है कि कौन नीच कोटि का है, कौन गरीब वर्ग का है, कौन उच्च वर्ग का है। वो इसमें जातीय जनगणना का करना क्या आवश्यकता है? वो मतलब यह डाटा, साइंटिफिक डाटा यह निकाला जाएगा कि इसमें जो है इस जाति में जो है इतने लोग जो है गरीब तबके के लोग हैं। मेरे हिसाब से तो उचित नहीं है, बाकी सरकार का जो डिसीजन हो। हाईकोर्ट भी फैसला दे दिया है कि सरकार का यह अच्छा कदम है, तब तो बढ़िया है। जब ऊपर से फैसला आ रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? अच्छा, आपका ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन, मेरे हिसाब से सबको एक समान देखना चाहिए,
उच्च वर्ग नीच वर्ग कुछ नहीं है, ये सब जनगणना वगैरह। हाँ बस मनुज का जनगणना करवा दीजिए, किसका संख्या कितना है, किस जगह पे कितना संख्या है, गरीब लोग कितना है, उच्च कोटि का लोग कितना है, ये सब का जनगणना करवा दीजिए। इसमें जातीय जनगणना उचित नहीं है, ये सब चीज़ आप समर्थन नहीं करते। समर्थन नहीं करते ऐसा क्यों हम बोलें समर्थन नहीं करते हैं? हमको मेरे तरफ से मतलब मेरा कहना है कि मेरा ओपिनियन है कि मेरे तरफ से वो ठीक नहीं है, बाकी तो सबका अपना अपना सोच है। वही आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं, आपके आपका ओपिनियन जो है सही समर्थन नहीं है। हाँ और लोग भी हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा हम लोग को। क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार से ही हैं। जातीय गणना के बारे में पता है? जी पता। क्या कुछ कहिएगा भाई को, हाईकोर्ट का फैसला आ गया कि सरकार का जो है अच्छा कदम है, अब इसको जो है हाईकोर्ट भी जो है राजी हो गई है। इसमें अच्छा क्या है, इसमें अच्छा क्या है, आप बात करते हैं कि डेवलपमेंट का विकास का और फिर आप आ जाते हैं जाति पे। अच्छा में बढ़िया क्या है बताइए। जाति जाति जो है इसीलिए गिन रहे हैं लोग कि कौन से कोटि में कौन से जाति जाति में जो है कितने लोग जो है गरीब तबके के लोग हैं। तो इसे तो फिर आर्थिक करना चाहिए था ना, आर्थिक जनगणना करना चाहिए था, उसमें जाति कहाँ से आ गया? उसमें तो अब जैसे मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण है तो उसमें भी तो गरीब है, और कोई ओबीसी है उसमें भी गरीब है, और कोई ओबीसी में भी अमीर है और ब्राह्मण में भी है, तो ऐसे तो आर्थिक करना चाहिए था ना, इसमें जाति का तो बात ही नहीं था। ये तो सरकार की अब गलती है, विकास का एक तरफ बात करता है और फिर वोट के चलते आ जाते हैं जाति पे। ऐसे सरकार तरफ से ये बोला जाए कि अगर हम जनरल की बात करते हैं, जनरल में जो है पंडित आ जाते हैं, भूमिहार आ जाते हैं, तो और अगर ओबीसी की बात करें तो बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, बहुत सारी जाति आ जाती है। तो उसके बाद जो है पता नहीं चल पा रहा था कि कौन कौन जो है कौन जाति के सबसे ज़्यादा लोग गरीब हैं। लेकिन मान लीजिए भूमिहार में है तो जनरल में दो कैटेगरी आ जा रहा है, तो उसमें पता ही नहीं चल रहा था कि जनरल में कौन कैटेगरी के लोग जो है एकदम जो है गरीब हैं। तो आप गलत बोल रहे हैं, पंडित ब्राह्मण पंडित नहीं, पंडित जो है ब्राह्मण ठीक है, पंडित और ब्राह्मण एक ही है, भूमिहार की बात कर रहे हैं। भूमिहार तो ब्राह्मण हुआ, भूमिहार ब्राह्मण ना होता है और क्या हो गया, भूमिहार अलग हो गया, भूमिहार ब्राह्मण ना हुआ। नहीं हम लोग के तरफ तो जो है बाबा अलग होते हैं, जैसे कि बाबा जो लोग शादी करते हैं उनको पंडित बोला जाता है। अलग चीज है हमारी, हम भी वही है, हम लोग के भी वही है, लेकिन है तो आखिर सब ब्राह्मणे में आ जाता है। हाँ भूमिहार भी ब्राह्मणे में आ गया, पंडित भी ब्राह्मणे में आ गया, वो अलग नहीं होता है, वो सारे एक ही में आ जाता सारे है, लोग एक ही में आ जाते हैं। अच्छा तो ओबीसी में अगर बात करें तो अलग अलग कैटेगरी होता है, अलग अलग है, इसमें भी तो आप मानते हैं। तो वही चीज सरकार बोल रही है कि जितने जो अलग अलग लोग हैं, जैसे कि अलग है कोई हो गया कुशवाहा समाज से हो गया, ठीक है, कोई कुशवाहा जाति के हो गया, कोई जो है यादव जाति के हो गया, ठीक है, कोई अलग कैटेगरी कोई अलग कैटेगरी का, तो सबको जो है ओबीसी अगर लिया जाए तो पूरा लोग आ जाता था। लेकिन अब कैटेगरी वाइज लिया जाएगा तो ऐसा सहायता लोगों को ज्यादा प्रदान होगा जो ज्यादा गरीब तबके के लोग। वही ना बोल रहे हैं, तो बात तो यहाँ पे आखिर में इकोनॉमी का ही आ जा रहा है ना, तो आर्थिक तौर पे करना चाहिए। इसमें जाति का ये एक गलत चीज है, जाति से देखिए फिर अब आप मान लीजिए आप किसी को जान रहे हैं, जाति नहीं जानते हैं, आप अच्छे से बात करिएगा, आप मान लीजिए फिर ब्राह्मण है, फिर वो है कोई ओबीसी में है कास्ट में, तो एक मन में धारणा आ जाता है कि अब वो ब्राह्मण है, हो सकता है उसको उससे कुछ दिक्कत हो, उसको उससे, इला जाति का नहीं करना चाहिए, आर्थिक है सही चीज़ है। लेकिन उसमें जाति के साथ साथ और भी कॉलम है कि आपके पास कितना जमीन है, हर चीज़ है उसमें, 30 कॉलम दिए गए हैं शायद, लगभग लगभग 30 कॉलम दिए गए हैं कि आपके पास कितना संपत्ति है, कितना जमीन है, हर चीज़ का उसमें जो है। लेकिन जाति गणना, जाति आधारित गणना जो इसको दर्शाया गया कि जातीय गणना, जाति ठीक नहीं है उसमें। एक एक कॉलम यह भी है कि आपका जाति क्या है, यही तो गलती है, जाति कहाँ से आ गया, बीच में आर्थिक के बात कर रहे हैं और फिर आप जाति ले आ रहे हैं, तो घूम फिर के तो वहीं पे जाति गणना नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए, एकदम समर्थन नहीं करते ना, हम तो एकदम नहीं करते। चलिए तो जाति आधारित गणना को लेकर के यहाँ पे लोगों का तरह तरह का ओपिनियन है, आप अपनी प्रतिक्रिया, आप क्या सोचते हैं जाति जनगणना के बारे में, जाति गणना के बारे में अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।